जैसे कोई मकान बनाता है या खिड़की दरवाजा बनाता है या किसी की टेबल बनाता है कोई भी चीज बनाता है उस शाम को तो पैसा आ जाता है क्योंकि वो तो वैसा काम है तो उपभोग की चीजें जल्दी हैं अब इसमें जो है एक तो दिमाग का खेल भी है बैठे बैठे भी है आंखें कमजोर हो जाती हैं तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता सब आप आए हैं यहाँ पे मैं काम कर रहा था मुझे पता नहीं आप कब आए एकाग्रता होना बहुत जरूरी है अगर एकाग्रता नहीं होगी तो वो चीज़ खराब हो जाएगी कहीं जाने की सुबह बैठ जाता हूँ शाम को उठता हूँ दिन में खाना होता है लेकिन ये पता नहीं कि दिन कब आया और कब चलेगा वैसे तो पैतृक काम था मेरा मेरे पिताजी करते थे ऐसे काम जो मेरे गुरु हैं मेरे पिताजी हैं तो उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन करवाया कि लकड़ी की सिदाई कैसे ले जाती है उसके जो टेढ़ापन है उसको किस ढंग से निकाला जाता है तो उन्होंने सारी बातें बताई मेरे को मैंने लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई ये टेम्पल तो हैं ही लेकिन घर के मॉडल भी बनाए मैंने जो हमारे पहाड़ में घर के मॉडल होते हैं निदेशालय में तो कम से कम 400-500 पीस तो से ऊपर ही गया मेरा और जो लोकल लोगों के लिए अलग गया है ये कई भागों में बनता है पहले तो मैंने 2-3 भागों में बनाया और सरलता के लिए और सुंदरता के लिए एक चीज़ में इतनी सुंदरता नहीं आती है उसमें कई चीज़ें ऐसे थे जहाँ चीज़ल नहीं जाती हैं या पॉलिश जो साफ सुथरी नहीं हो पाती रेगमाल नहीं हो पाता है तो इसमें मैंने क्या किया अपने दिमाग से मैंने टुकड़े टुकड़ों में इसको कई भागों में किया इसको अब तो आकार देना तो मेरे को सरल हो गया क्योंकि बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया 1990 से कर रहा हूँ उसको जैसे बद्रीनाथ का मंदिर है तो नक्शा तो सामने है आंखों में तो अब समाया हुआ तो किस ढंग से जैसा हमने ये मॉडल बनाया हुआ उसका हिसाब से उसका रेशो निकालना इसकी ये सीढ़ी लगेगी इसमें घंटी है किस ढंग से एक तो हमने बड़ा वो लगा दिया तो उसमें जचे गए ना उसी मॉडल के हिसाब से हर चीज़ें अपने दिमाग से लगानी पड़ती है उसमें कि ये जो है इसका रेशो फिट बैठेगा नक्काशी अगर नहीं होगी तो खूबसूरत कैसे आएगी उसमें जैसा हमने नक्काशी किया है उसमें अच्छा डिजाइन देने के लिए अच्छी खूबसूरती बनाने के लिए देखने वालों को भी अच्छा लगता है और सुंदरता भी आती है उसमें अब मुझे तो चस्का बढ़ गया
चस्का क्या हुआ कि एक तो मुझे मान सम्मान का शौक है और कुछ नहीं, पैसा भी नहीं देखता, मुझे मान सम्मान बहुत। नशा तो एक तरह का बहुत चीज़ों का नशा है, किसी को दारू का नशा है, किसी का कोई नशा है, तो हर आदमी को कोई ना कोई नशा है, इसी तरह का नशा मेरे को भी है। ओम बनाने के भी कई तरीके हैं। अगर हमने सिंगल लकड़ी में ओम बना दिया और उसमें घिसाई कर दी तो टूटने लग जाते, क्योंकि लकड़ी का जो रेशा होता है एक ही तरफ होता है, तो अगर हमने उसमें थोड़ा सा दबाव डाल दिया उसमें तो टूट जाएगा वो। मैंने क्या किया उसका कि जो लकड़ी होती है सीधा रेशे की होती है, तो सीधे रेशे के बजाय मैंने उतनी जितनी मोटाई उस लकड़ी के जिसमें मैंने उसको ओम बनाना है उतनी मोटाई की मैंने, एक तो सीधी हो गई, एक तिरछे में लगा दिया मैंने ऐसे इस टाइप की। पुराने लोगों के भी तो अच्छे सोच थे, तो राजा महाराजा लोग रहे, उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। आज के युग में तो कौन बनाता है ऐसा, जो कि मतलब कोई बादशाह अगर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई इस ढंग का स्मारक बनाई हुई, सब खत्म हो चुका है। मैं बड़ी बड़ी सी चीजें, कोई अद्भुत चीजें जो कोई ना बना सक, उसमें मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसमें इसको बनाऊं।